मायसेल्फ जितेंद्र और आज का टॉपिक क्या है वोकैबुलरी। ठीक है वोकैब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 7th क्लास है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सक्सेस की 98 YouTube पर, जिससे आपको सारा वीडियो देखने को मिले। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, द हिंदू में जो वर्ड ट्रेंड कर रहे हैं वही सारे वर्ड है ये। ठीक है, और ये आपको कहां हेल्प करेगा, क्लोज टेस्ट डबल फिलर। और क्लोज टेस्ट डबल फिलर कितना इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों का इंग्लिश वीक है, मैं बता चुका हूं बार बार क्लोज टेस्ट वाले वीडियो में। ठीक है, सो आइए देखते हैं आज के वर्ड क्या क्या है। मिनन, मिनन मतलब फॉलोअर, सर्वाइव मतलब क्या, जैसे कोई नेता मतलब मिनिस्टर के पीछे जितने घूमते हैं ना लोग, या आप उसको बोल सकते हैं चापलूस, मतलब हां में हां मिलाना, पीछे पीछे चलना, जैसे पीएम के पीछे बहुत सारे चलते हैं लोग, उसको बोलते हैं फॉलोअर सर्वाइव। मिनन, विंडिकेटिंग मतलब प्रूव, वेरीफाई, अपने आप को प्रूव करना, वेरीफाई वेरीफाई करना किसी भी चीज को, सिंपल समझ में आ रहा है प्रूव वेरीफाई। ठीक है, फेटिड, फेटिड मतलब स्मेलिंग एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, मतलब बदबूदार, बहुत गंदा महकना। ठीक है, उसको बोलते हैं फेटिड। परसिस्टेंस मतलब रिफ्रेन, ऑब्स्टेंसी मतलब उसकाना, भड़काना किसी भी चीज को लेकर, उसको बोलते हैं ना ये प्रेसिस्टेंस, मतलब बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, हट है, मतलब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा हट कर रहा है, जिद्दी है मतलब किसी भी चीज को लेकर। अगर हम कोई चीज अगर हम ठान लेते हैं ये हमको बैंक एग्जाम निकालना ही निकालना है, तो हम अपने अड़ गए उस अपने बात पर, उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिस्टेंट। स्पर्ड, स्पर्ड मतलब इंसाइट, फॉर्मेंट, प्रोवोक, प्रोवोक मतलब पता ही आपको, चिल्लाना किसी भी चीज को लेकर, भड़काना, उसकाना कोई भी टॉपिक हो, अगर कोई आपको किसी दोस्त के बीच में लड़ाई हो गया तो उसमें क्या, बीच में आकर स्पर्ट कर दे रहे, मतलब उस टॉपिक को और भड़का दे रहे, उसका दे रहे उसको। ठीक है, इम्बेलिस मतलब गार्निश, मतलब सजाना, गार्निश मतलब आप समझ गई होंगे, गार्निश मतलब इन द सेंस ऑफ एनीथिंग। देखिए मैंने यहां मेंशन किया वो कोई भी चीज हो सकता है, जैसे खाने के ऊपर हम गार्निश करते हैं मतलब अच्छे देखने के लिए खाना खाने को, या फिर कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करते हैं मतलब डिजाइन वगैरह, गार्निश किसी भी सेंस में बोल सकते हैं, सजाना। फिल्थी मतलब इम्प्योर, नाइट्सियोल मतलब गंदा, इम्प्योर मतलब समझ गए होगे, फिल्थी मतलब क्या होगा, गंदा। ठीक है, नाइट्सियोल मतलब गंदी मिट्टी जो भी। बैकलॉग, बैकलॉग मतलब एक्यूमुलेट, बैकलॉग मतलब क्या होता है, जैसे कोई बॉस है किसी कंपनी का, उसके ऊपर बहुत सारे काम का वर्क का प्रेशर है, तो उसके ऊपर क्या है, बैकलॉग है। ठीक है, उसे कोई लोग चाहिए उस काम को करने के लिए, मतलब बैकलॉग। एक्यूमुलेट में समझ गए, जुटाना बहुत सारे वर्क का प्रेशर। एसिमिलेट मतलब डाइजेस्ट, मतलब पचाना, वो किसी भी सेंस में हो सकता है, एसिमिलेट मतलब किसी भी बात को पचाना, किसी की बात को पता है किसी का बात तो वो पचा लिए अपने अंदर, उसको बोलते हैं एसिमिलेट। स्टांस, स्टांस बहुत कॉमन वर्ड है, यूज हो रहा है, इसको आप करेंसी या मनी बोल सकते हो, बोलना क्या बोल, इसका मतलब ही होता है स्टांस मतलब करेंसी या मनी, मतलब मॉनेटरी, मुद्रा। ठीक है, कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब फाइट, वार, बहुत ही कॉमन वर्ड है, हमेशा यूज होता है द हिंदू के या किसी भी आर्टिकल में, लड़ाई झगड़ा उसको बोलते हैं कॉम्बैट। गेटी, GAIETY, गेटी मतलब हिलैरिटी, प्लेजर मतलब उल्लास, खुशी मनाना, किसी भी चीज में अगर हम बहुत ज्यादा दुख है ना, सडन कोई हमारे साथ कुछ अच्छा हो गया तो हम क्या खुशी मना रहे हैं, उल्लास में है। ठीक है, इलेक्ट, चेकआउट, नो मतलब जानना, किसी भी चीज को जानना, बाहर निकालना, प्रकाश में लाना, अगर कोई बात कोई छिपा रहा है ना तो उसको हम बाहर लेके आ रहे हैं, जान रहे हैं, प्रकाश में लेके आ रहे हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट। इंसोलेंट मतलब रूड, इम्पोलाइट मतलब उस किसी के प्रति हम बहुत जिद्दी हैं, हट है, मतलब बहुत ही गंदा बिहेवियर है हमारा। ठीक है, उनको उसको बोलते हैं इंसोलेंट। रूड मतलब समझ गए होंगे बिहेवियर से रिलेटेड है। कोई मतलब ग्रेसियस, प्रे, किसी के लिए प्रे करना या प्रार्थना करना या मतलब दुआ करना, उसको बोलते हैं कोई। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल 15 वर्ड, और ये सारे वर्ड आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में या कहीं पर भी नोटबुक में, बिकॉज ये वर्ड अगर आप क्लोज टेस्ट में इसका कितना वैल्यू है ना, आज मैं जो सुबह क्लोज टेस्ट करवाया हूँ जाकर देखिए, ये सब द हिंदू का क्लोज टेस्ट था जो सुबह मैंने करवाया था, और वो रिसेंट का न्यूज था, कल या परसों का, उसमें देखिए विंडिकेट आया था, एक्सपर्ट आया था। अगर बच्चों लोगों को ये वर्ड ना पता हो तो क्लोज टेस्ट करने में बहुत मुश्किल है, और एरर्स के ऊपर डिपेंड होकर जाएंगे कि एरर्स के वजह से मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्लोज टेस्ट ही आपका नैया पार लगाने वाला है। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू।